धरती के ऊपर इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। एक बात अगर आप मेरी आज समझ लें, जिंदगी सफल हो सकती है आपकी, सिर्फ एक बात, वो ये है, पाप करने के बाद आपका डाउनफॉल कभी भी एकदम से शुरू नहीं होता। और प्रभु के साथ तौबा करने से आपका ऊपर ऊंचाई पे जाना एकदम से शुरू नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जब मैं परमेश्वर में था और पाप से दूर रह के पवित्रता में प्रभु को पुकारता था तो मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं होता था। मैं आपको सच कह रहा हूं, सिर्फ आत्मिक बदलाव होते थे, शारीरिक आशीषें आती थीं, लेकिन जो बदलाव मैं चाहता था बड़े वो नहीं होते थे। लेकिन वो हुए, एकदम से नहीं हुए, लंबा टाइम लगा, सालों लगे वो बदलाव हुए। तो कभी भी अपनी रीसेंट अभी की परिस्थिति के हिसाब से मत पाप में और निराशा में गिरें, क्योंकि अभी फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन फ्यूचर में 100% पड़ेगा। अभी नहीं पड़ेगा, बड़ी बड़ी पदवियों पे मिनिस्ट्रीज में लोग होते हैं, पाप करते हैं, उसी तरह से चलते हैं, उसी तरह से सब काम करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसका असर एकदम से नहीं होगा। इसका असर होगा 100% होगा, और जब होगा वो रिवर्सिबल नहीं होगा, उसको तुम रिवर्स नहीं कर सकते। एकदम से कभी पाप का असर नहीं होता। मैं अपनी लाइफ में आपको बता सकता हूं, अगर मैं पवित्रता में रहा हूं तो मैंने क्या पाया है, और मुझे मालूम है आज भी वही रूल है। आत्मा का रूल चेंज नहीं होता, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, सवाल होते हैं, शैतान सवालों के साथ आपके पास आता है, आपके विश्वास को हिलाता है, सवाल जवाब करता है। उस समय अगर आप शैतान की बात मान के गिरते हैं, या कोई गिरा जो इसलिए आप गिर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अब बीज डाल दिया। आपने पास्ट में पवित्रता का बीज डाला था और फ्यूचर में आप यहां पे हैं। अभी आप कैसा बीज डालेंगे फ्यूचर में, वो निर्धारित करेगा आप कहां पे होंगे। जीसस के टाइम के ऊपर जिन लोगों ने गवाही दी थी, जब पिलातुस ने कहा तुम जीसस को चाहते हो तुम्हारे लिए छोड़ दूं, कि एक डाकू को जो तुम लोगों का कत्ल करता है उसको छोड़ दूं, कोई नहीं कहेगा डाकू छोड़ दो, कि ये हमें ही आके बाद में तंग करे। यीशु ने क्या बिगाड़ा है हमारा, ये लोगों को अच्छी बातें ही बोलता है, लेकिन लोग बोले तू बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दे। उसने कहा इसने क्या बुराई की है, कहते वो और भी चिल्लाने लगे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, सब हजारों लोग। तो पहला तो उसकी पत्नी ने एक मैसेज दिया, कहती इस धर्मी के मामले में हाथ मत डालना, क्योंकि आज सपने में मैंने इसके कारण बहुत दुख उठाया है। तो उसको मालूम था कि ये धर्मी पुरुष है, तो उसने कटोरा बलाया और कहा मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, अपने हाथ धो लिए। पब्लिक बोली इसका लहू हम पर और हमारी संतानों के ऊपर हो, और यीशु मसीह के जी उठने के और स्वर्ग पर चढ़ाए जाने के कुछ साल बाद उस यरूशलम के ऊपर एक अटैक हुआ। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, भवन तोड़ दिया गया, लोग बंधुआई में बांध लिए गए और उन्हें बांध लिया गया और उन्हें एक तरह का खत्म कर दिया गया, देश फिनिश कर दिया गया। एकदम से नहीं हुआ। यीशु मसीह के मरने के बाद वो लोग उसी तरह से बिजनेस कर रहे थे, उसी तरह से हंस खेल रहे थे, उनके बच्चे हो रहे थे, कुछ बदला नहीं। लेकिन जब बदला तो ऐसा बदला, कहते ना पंजाबी जी कन्ना नु थलवाते, फिर ऐसा बदला कि जो रिवर्सिबल नहीं था। जब आप पाप में होते हैं उसका असर आपके जनरेशन पे भी होता है, आपके बच्चों पर भी होता है, आने वाली जनरेशन पर भी होता है, आपके फाइनेंस पे होता है, सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। कई बार आप देखे होंगे आप दो ट्रैक चल रहे हैं, दो रेलगाड़ियां चल रही हैं, अभी दोनों सेम ट्रैक चल रहे हैं, लेकिन आगे चल के हल्का से ही चेंज आएगा और दोनों की मंजिल पूर्व पश्चिम जैसी अलग अलग हो जाएगी। शुक्र किया करो अगर आप कुछ गलत करें और परमेश्वर तभी आपको कुछ सजा दे दे छोटी मोटी, क्योंकि अगर वो आपको लंबे कोर्स में डालेगा तो बड़ा खतरनाक डालेगा।